घर की छोटी मोटी चीज़ों से आप भी अपने बेबी का फ़ोटो शूट कर सकते हैं खुद से, बिना किसी फ़ोटोग्राफ़र को बुलाए, बिना कुछ खरीदे। घर की चीज़ों से बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये फ़ोटो शूट किया है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। चुना क्या कल वाला भाई। सो गाइस, अभी ये वाला जो है ना हमारा फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है। इनका कपड़ा चेंज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे वीडियो में जगह है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा गला है ना उस पर प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन जो है ना पर्दा ली हूँ, ग्रीन चादर, ग्रीन पर्दा, जो भी आपके पास हो। ज़रूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, प्लेन हो, कोई भी कलर का हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ठीक है, उस कलर को प्लेन होना चाहिए। और उसको ना आपको अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके बिछाना, ताकि बिल्कुल भी सुकड़न ना रहे। और इस तरीके से मैं बाहर झंखड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये नीम की झंखाड़ी है, तो मैं इसको उठा लाई हूँ। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आप किस तरीके से कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, जैसे यूट्यूब पर देखो, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाओ तो और अच्छा होगा। बट मैं यूट्यूब पर नहीं देखी थी इसको, मैं खुद से दिमाग लगा के लेकर आई हूँ। पेड़ बनाने को सोची थी, कुछ और सोची थी, हो कुछ और गया। ऐसे आप भी करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी लकड़ियाँ तोड़ ली हैं हाथों से। और ये जो है ना फ्लावर्स हैं, ये मेरे घर में दोनों साइड ऐसे वॉल में लगे हुए थे, लटके थे, तो इनको मैंने निकाल लिया। तो एक वॉल, एक जो एक साइड का था वो मैंने ऊपर रख दिया है, दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, वन बना रही हूँ। ये फ्लावर्स है, जो साइड में फ्लावर पॉट रखा हुआ है उसमें से मैंने येलो वाले फ्लावर्स निकाल लिए हैं, रेड वाले मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि ये रेड था ना तो रेड रेड अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़े बड़े से फ्लावर्स, आपके यहाँ भी फ्लावर्स होंगे, आराम से इजली निकल जाते हैं, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इनकी इस तरीके से करके टहनियाँ बना दी हूँ, ताकि ऐसा लगे कि फ्लावर्स है। तो चलो अभी। सो गाइस, आज है बाबू का 1 मंथ फ़ोटोशूट, और अभी हम करने जा रहे हैं उसके 1 मंथ का फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन की हूँ। हम और बाबू मिलकर बाहर से लकड़ी वगैरह लेकर आए थे, बस वही कर रही थी। और इसके बाद उसको मैं कई कपड़े पहनाऊँगी अलग अलग तरीके से, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी कि कैसे मैंने क्या किया घर में, कैसे फ़ोटोशूट की हूँ, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए हो सकता है ये वीडियो हेल्पफुल हो, कि आप भी अपने घर में अपने बेबी का या किसी का भी नॉर्मल तरीके से फोटोशूट कर सकते हैं। फाइनली अभी हमारा जो है ना फर्स्ट फोटोशूट कंप्लीट हुआ है। और अब देखो फोटोशूट कैसा होता है। अभी हमने ऐसी सिंगल फोटोशूट किया, उसके बाद हम कर रहे हैं 1 मंथ फोटोशूट, क्योंकि आज जो है ना बाबू 1 मंथ का कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अभी फोटोशूट उसका नहीं हो पाया था, जैसे आप सभी को पता है इसका वेट कम था, बहुत कमजोर था, तो डर लग रहा था। तो हमने कहा दोनों चीजें हम एक साथ करेंगे। तो ये 1 मंथ फोटोशूट और ये सिंगल फोटोशूट भी साथ में हो रहा है, आ गया है। हाँ बाबू, येलो येलो में मेरी भी ले रहा साथ में। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं भी एक दो फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, और अन्या को सोची थी कि उसको भी साथ में करवाऊँगी, बट वो नहीं करवा रही थी। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसी फ़ोटो क्लिक की है, वो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों येलो डॉलर आ जाता है, वो अलग से डाल दूँगी। तो फर्स्ट फ़ोटो वो थी, सेकेंड ये है। बाबू क्या करवा रहा भाई, क्या करवा रहा छोना मेला मेला छोना क्या बना है। हाँ चलो करो भाई। हले छोना छोना क्या कल वाला भाई। हाँ 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 छोना क्या करवा रहा, फोटोशूट करवा रहा बेटा, 1 मंथ फोटोशूट। हाँ गुड्डा बनाई क्या, गुड्डा क्या है। हाँ क्या है भाई, हाँ हाँ क्या चाहिए। लकड़ी नहीं पकाना जाती ना, वीडियो सब खराब है। उठा लिए हैं। हाँ बाबू इधर मुकरा, खींचना ना फोटो, इसको दाती ना फोटो भी खींच जाएगी। बाबू आप उधर ले जाओ जाके। हाँ। सारे ऐसे करके ऐसे लेटना।
और बाबू नीचे हो, और नीचे हो, और नीचे। हाँ हाँ खा रहा है। ये तो बहुत जल्दी भागती है। इधर देखो भाई, इधर देख लो, उधर नहीं देखो, फूल देख रहा है, रहा रहा सब पीला लाल दिख रहा है उसको। फूल देख ला बेटू, ले बैठो लेटो, बस कर दे। जिंगल बेल बा, जिंगल बेल बा। एक आंख खुली एक बंद है। तो अभी यहाँ पे चल रहा है बाबू का सेकंड कपड़े में फोटोशूट, और बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, बट मैं मंगा नहीं सकती क्योंकि अभी हमारे यहाँ मंगाया नहीं जाता है, तो जो है उसी में हम करवा रहे हैं फोटोशूट। ये देखिए मेरा गोलू मोलू, और अभी हमने मंगाया केक जिसमें हम करेंगे बाबू का 1 मंथ सेलिब्रेशन। बैकग्राउंड मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मैंने कहा मैं इसी बैकग्राउंड को रखूंगी, अब चेंज नहीं करूँ। सो गाइस, अभी ये वाला जो है ना हमारा फोटोशूट कम्प्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम करेंगे हमारा सेकेंड फोटोशूट, तीसरा फोटोशूट। दो हुआ है ना? Yes. दो हुआ है और तीसरा करने जा रहे हैं। नहीं, तीन हो चुका यार। दो एक, अच्छा हाँ, एक नंगू पुंगू में हुआ है, एक येलो में हुआ है, और एक इस कपड़े में हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो है ना, अब इनका दूसरा कपड़ा चेंज किया जा रहा है, तीसरा। तो ये है, हॉस्पिटल से मिला था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। अगर अच्छा लगेगा पहनाने पर तभी इसको पहनाएंगे, वरना फिर इसको नहीं पहनाएंगे। ये इनका कपड़ा चेंज किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और फोटोशूट मास्टर बनी सोना, जो फोटोशूट करवाने आते हैं ना, तो चेंज वेंज करते हैं। अभी एक वो वाला मैं बोली थी, कपड़ा लपेटने वाला, ये यहाँ पे हमारे तीसरे चौथे जो भी है फोटोशूट की तैयारी चल रही है। और ये हॉस्पिटल बहुत टोपी उठी उठी लग रही सोना, लाइट जैसे लग रहा डिम हो गई धीरे धीरे ना। चोनू मोनू अब सही लग रहा, लाइट थोड़ी सी पड़ रही ना, अभी तक अंधेरा अंधेरा लग रहा था। ये पास लाई हूँ, दूर थी ना बहुत, इसीलिए अब सही है, अब सही है। वीडियो में बोल रही है। कार दूंगी। चुना बाबू है, चुना बाबू का पोचो चूच चल रहा भाई। पंखा बंद कर दो तो इनको गहरी नींद आती है, फिर किसी से कोई मतलब नहीं है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अब सही हो रहा है, सिर्फ एक वीडियो में जगह है। क्यों करने में अब देख यहाँ ऐसे में अगर एक उड़ा है ना तो इमोजी आराम से लग जाएगी, हिलता डुलता रहा जैसे उधर घूम जाए तो इधर से उधर हो जाएगी। छोना बाबू, उज्जा बाबू, ऊंची ऊंची वाली फोटो खिंचवा लो, ऊंची ऊंची वाली भी फोटो खिंचवा लो भाई। बेटू पंखा चला दे तब विंडो खुलेगी। ऊंची ऊंची वाली फोटो नहीं क्लिक करवाओगे क्या? अभी आपका केक आ रहा है, ऊपर की झंकाड़ी जैसे सही लग रही कि झंकाड़ी में फूल निकला। ले मिला छोना बाबू, क्यूटी पाई लग रहा है क्या भाई? इनके मेंटेनेंस वाली फोटो जा रही है, अभी देखो कई महीना जाएगी। 1 मंथ की जाएगी। तो अभी हमने बाबू को यहाँ पे जुगाड़ बुगाड़ बना के कुछ इस तरीके से कर दिया है। मेरे पास वो क्लॉथ नहीं था, बट ये था स्टॉल बोलते हैं ना, स्टॉल थी। ये बहुत बड़ा है। नहीं बेटा दुपट्टा उससे नहीं होगा, तो इससे मैंने जुगाड़ बना दिया, क्लियर आ रहा है। तो अभी हम इनको चल रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके बिठा देंगे। छोटा पड़ गया कपड़ा, बट चलो थोड़ी देर के लिए फोटो शूट के लिए सही है। हमारा गिफ्ट है, ये गिफ्ट देख लो भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट कौन लेगा गिफ्ट? जल्दी जल्दी आ जाओ।
जोड़ा कहाँ लगाए बताई भी नहीं हमको चाहिए गिफ्ट। ये देखो गिफ्ट, उधर देखे उधर देखे गिफ्ट, फोटो भी क्लिक कर दीजा ऐसे। बाबू इधर देखो, आराम से सो रहा गिफ्ट हमारा। मौसी रुई है, कुछ चेयर वगैरह होती तो बैठा देते। रुई है, रुई ले लो, उसके से आई साइड लगा तो अच्छा रहेगा। तो जुगाड़ तो बनाए दिख तो नहीं रहा। नहीं 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 हम्म, हाँ तो यहाँ पे ना ये वाली फ़ोटो ना मुझे सबसे अच्छी लगी। और ये वाला जो स्टॉल है ना, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जब फ़ोटो ग्राफर लोग आते हैं बेबी फ़ोटो शूट के लिए, तो वह ऐसे करके कुछ बेबी को कपड़े में मतलब लपेटते हैं और फ़ोटो शूट करते हैं। तो मैंने सोचा था मैं भी करूँगी, बट मेरे से होता है या नहीं होता है, इतने अच्छे से हो गया। बट जब मैंने इसको रैप किया था ना कपड़े में, तो ये स्टॉल में, स्टॉल से मैंने अलग से कुछ नहीं लिया, इसके लिए अलग से कपड़ा लेना पड़ता है, ऑनलाइन आता है, मैंने देखा था, बट मैं मंगा नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ सवा महीना कपड़ा नहीं मंगाते हैं। तो मैं इस स्टॉल से जुगाड़ बना के इसको इस तरीके से की हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और सबसे अच्छी फ़ोटो कौन सी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस अब एंड हो गया है वो हेलो तुम आगे सटो, रोशनी सटो मेरे उधर से जाओ, उधर से अच्छी आती है। बार बार उंगली फट रही बिट्टू का, जाने तो सही लग रहा है। नहीं वो झंकाड़ी के बहुत ज्यादा सट गया है। तो यहाँ पे इनकी फोटो शूट चल रही है और ये कुछ मुस्कुरा रहे हैं। हम लोगों को टेंशन है कि कहीं लुढ़के ना। तो दोनों चीज चल रहा है, फोटो शूट भी चल रहा है, वीडियो भी चल रही है, मतलब सब कुछ चल रहा है। बहुत पानी गिरा है। अली मिला छोना का चला फोटो शूट और मम्मा की कमर भूल गई है फोटो शूट करते करते, इनका हालत हो गई खस्ता। मन्नी मैं गिर जाऊंगी, मन्नी पैर हटा, पीछे होकर बैठो। येलो येलो दो कपड़े हो गए ना इसके। बाबू पैर हटा, बाबू पैर हटा, बाबू कह भी रही थी कहीं मम्मा नाम रख दो जय श्री राम, अच्छी तरह खोले जय। सोई नहीं ना बाबू, सर में दर्द ना करो। अभी फोटो खींच खींच के ना हालत हो गई मेरी एकदम खस्ता। ये कैसे लेट आई आपकी? हम सोच रहे वन मंथ की तरफ खिंचाते हैं। अच्छा तो आपकी सोनम दूसरी तरीके से लेट आई है क्योंकि फोटोग्राफर की मास्टरमाइंड यही बनी है, कपड़ा चेंज करना सब कुछ। तो चलो अभी पिंक ड्रेस पिंक की फोटो क्लिक होती है। तो यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा दूसरी तरीके से सोचा है कि बाबू को ऐसे लिटा दे, बट उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी जो इसका सर था ना फ्लावर्स के साइड में था रेड वाले, बट अभी जो है ना हमने दूसरी साइड कर दिया है, उतना बढ़िया खिलकर नहीं आ रही है फ़ोटो। तो सोनम ने क्या किया था, जहाँ पे बीच में वन लिखा लाइन्स, तो उसको ना इसको बीच में लिटा दी थी। अभी देखना अच्छा भी लग रहा था, फिर हम लोगों ने सोचा येलो ड्रेस में लिटाएंगे तो और अच्छा लगेगा, बट लास्ट टाइम में भूल गए। क्योंकि बाद में इधर लिटाएंगे, अभी अपना नहीं बनाना पड़ेगा, उसको नहीं हटाएंगे। हाँ तो ऊपर से खोल लेगा, हम लोग तो हमको भी पता है लाल वाला हटा के इसको पीला ऐसे करके। जा तो भी जा जा, इलायची है
तुलसी डाल दे, तुलसी तुलसी स्वाद में। इधर देखिए वो जगा क्यों रही है, अगर वो जग अगर वो जग जाएगा तो नहीं सूट करेगा, इलायची बना दी उसको। तो यहाँ पे ना यही मैं बोल रही थी आप लोगों को कि बीच में जो है ना वन बाबू बन गया है, तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि येलो येलो है ना, तो इसको फिर से येलो वाली ड्रेस पहनाएंगे और जब केक कटिंग करेंगे, क्योंकि येलो केक हमने स्पेशली बनवाया है और यहाँ पे येलो ज़्यादा था ना, तो हमने कहा येलो ड्रेस है येलो केक रहेगा तो अच्छा लगेगा। बट लास्ट टाइम में ना फिर भूल गए, इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि हिम्मत सी नहीं पड़ रही थी। ये तो को किसी तरीके से ये वाला फ़ोटोशूट हो गया है और यहाँ पे देखिए केक भी आ गया है, बाबू येलो ड्रेस भी पहन लिया है। इसके बाद हम केक कटिंग करेंगे, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।